आज मैं आपके लाया हूँ पोटैटो चीज रोल। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 1/2 kg आलू। ये आलू मैंने बॉयल कर लिया है और चीज, तो मैं यहाँ पे चीज स्लाइस यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा चीज यूज कर सकते हैं। वाइट ब्रेड यूज कर रहा हूँ मैं। और ये लिया मैंने कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर नॉर्मली दुकान पे मिल जाता है बहुत ही आसानी से। और ये लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला। तो बहुत ही कम चीज में मैं बहुत ही स्वादिष्ट पोटैटो चीज रोल रेडी करने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्या करना है फ्रेंड्स, मैं गैस को ऑन कर लेता हूँ। और सबसे पहले जो हमने ब्रेड लिया है, इसको मैं डायरेक्ट गैस पे सेक रहा हूँ। तो ब्रेड को सेकने के बाद इसके हम कोर निकाल देंगे। और जो बीच का व्हाइट पार्ट है, तो इसको मैं मिक्सी में पीस के इसके ब्रेड क्रंच बना लूंगा। इस तरीके से सारा पार्ट निकाल देंगे इसका, और व्हाइट पार्ट को मिक्सी में पीसना है। चलिए मैं पीस लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने ब्रेड को मिक्सी में बारीक कर लिया है। तो चलिए आगे क्या करना है। तो जो मैंने ये पोटैटो लिए थे, तो सबसे पहले मैं पोटैटो को मैश कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो पोटैटो को मैश करने के बाद अब मैं इसमें अपना 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे हम। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जो मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया था, इसका थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला सा पेस्ट बनाना है हमें। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो पोटैटो को लेके इस तरीके से एक छोटी सी गोल सी टिक्की बनाएंगे। और जो चीज स्लाइस था, इसका मैंने 1 पीस से 4 पीस कर लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके इसको बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से हम सारे पीस रेडी कर लेंगे। रेडी करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो हमारे सारे पीस रेडी हो गए हैं। तो चलिए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमने कॉर्नफ्लोर का ये पेस्ट बनाया है, तो इसमें इसको इस तरीके से हम डिप करेंगे। और जो ये ब्रेड का
मैं ब्रेड को ये पीस के जो क्रंच बनाया है इसमें अच्छी तरीके से इसको लगा के और फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे पीस कर लेते हैं। बहुत ही मैंने गैस को लो किया हुआ है तो अब इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो इसको दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। और दूसरी तरफ से भी इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई हो गए हैं तो चलिए इसको मैं एक निकाल लेता हूं। तो फ्रेंड्स हमारे पोटैटो चीज रोल रेडी हो गए हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं ये। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू।